दो तीन भाइयों ने जो है ना कमेंट्स किया था कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो और काफ़ी स्टेबल रहता है ना, तो और ये जो है ना चारों तरफ रखा है इन्होंने गीला करके अंदर, ताकि जो है ना ये सूख ना जाए, ये सूखेगा नहीं ना बाद में। थोड़ी खटी मीठी है। ये लोग आए हैं जी मेरे पीछे, ये एक भाई है जी, एक वो डंडा लेके पीछे आया मेरे कि भाई किधर चला गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू, आज मैं इधर ही था, इधर लेने आया हूँ पराठे, और पराठे लेते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी पराठे लग रहे हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ ना बिल्कुल, आज फिर चला जाऊँगा वापस, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। और अभी जो है ना अंडे, तीन अंडे और दो पराठे ले लिए, अभी नाश्ता बनाते हैं और खाते हैं मज़े से, फिर निकलेंगे अपनी पुरानी जगह पे। और ये जो है ना हमारा बन गया आमलेट और ये पराठे, जल्दी से खाते हैं फिर निकलते हैं। अभी जो है ना मैं यहाँ से जाने लगा हूँ, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लॉक है ना, एक मिनट खोलूँ मैं। फिर निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ वापस, उधर ही फिर इंतज़ार करेंगे, 10 दिन इंतज़ार करना पड़े, 5 दिन करना पड़े, जितना देर भी रहना है फिर उधर ही रहेंगे, इधर फिर फ़ायदा नहीं है ना रहने का, क्या ख्याल है, उधर फिर घूमें फिरेंगे। असल में यहाँ पे इसलिए नहीं मैं रह रहा क्योंकि एक तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, ठीक है, और वो उस साइड पर उसका घर भी है, डेरा भी है, तो फिर बंदा उधर ही सही है, काम जो उसके पास करना है फिर उसके पास ही रहना चाहिए, रूम उधर सेट किया फिर उधर रहें, इधर फिर रहने का फ़ायदा नहीं है। इधर बस इनको मिलने छिलने के लिए आया था और अभी जा रहा हूँ और निकलते हैं अभी, अल्लाह बेहतर करेगा आगे। और अभी मैं मेन रोड पे निकल चुका हूँ और ये मज़दूर लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है यहाँ पे। सबसे मुश्किल ये काम है, ये जो होते हैं ना बड़े बड़े, ये ब्लॉक से डबल जो है ना भारी होते हैं, ठीक है, और जो है ना ये रोड के साइडों पे लगे होते हैं ना, सबसे भारी ये होते हैं। ये जो है ना जगह बनी है फायर ब्रिगेड के लिए, अगर कहीं आग लग जाए ना तो उसके लिए ये अदारा बना हुआ है। देखें बेशक यहाँ पे वीरान जगह है लेकिन सहूलत बड़ी है। मेरे पास ना अभी जो है ना क्या बोलते हैं ट्राईपोड वो नहीं है, मैंने बोला हुआ है इधर मोबाइल वाली शॉप पर, वो बोलते हैं अगर मदीने में गए, बड़े शहर में गए तो हम ले कर आएँगे, वरना मेरा भी वहाँ पे अभी कोई चक्कर नहीं लग रहा शहर में, नहीं तो मैं खुद ही जाकर ले आता ना। तो पहले ट्राईपोड था मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका फ़ायदा नहीं है, छोटा ट्राईपोड जो है ना गिम्बल वो सही रहता है ना व्लॉगिंग के लिए ना, छोटा, बड़ा जो है ना वो सही नहीं रहता। और कई जगह पर धूप है इधर और कई जगह पर जो है ना बादल बने हुए हैं। और ये जो है ना जगह बनी हुई है गाड़ियाँ वगैरह, वर्कशॉप पुरानी थी ना यहाँ पर, ना यहाँ पर स्क्रैप करके यहाँ फेंकते हैं ना, दिन का टाइम है, जितनी मर्जी इधर स्पीड लगा लें कोई इशू नहीं है, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे देखें ना ये ज़िगज़ैग बना हुआ है, ठीक है, ये ऊपर नीचे ये रोड नज़र नहीं आते, तो आप की स्पीड ज़्यादा होगी तो भाई साहब आपके जो है ना एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस है, सो आप जो है ना एहतियात किया करें। अभी तो ये देखें मुझे नज़र आ रहा है कि रोड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, मैं भी सही जा रहा हूँ, लेकिन अभी ये देखें इस तरह आगे गाड़ी आ जाए या के मोड़ आ जाए इस तरह, तो बंदे को पता नहीं चलता, इस वजह से जो है ना एहतियात से चलाया करें रात को, दिन को भी एहतियात ज़रूरी होती है। अभी ये देखें नीचे है, ठीक है ना, ये देखें अभी नहीं मुझे पता था, अभी ये ऊपर है, ऊपर से ऐसे है, ठीक है, ये देखें ना, तो ये रात को नहीं समझ आती, दिन को फिर भी एस्टीमेट बंदा लगा लेता है कि यार यहाँ पे ऐसे रोड चल रहे हैं। और जब मैं इधर से चढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं जो है ना किसी पहाड़ी पर चढ़ रहा हूँ, मारगिला हिल में, इस्लामाबाद की जो पहाड़ी है ना मारगिला हिल, उसमें लगता है ऐसे ही मैं चढ़ रहा हूँ जैसे।
अब ये मैं ऊपर आ गया हूँ सतह पे ना, मौसम अच्छा है आज। दो तीन भाइयों ने जो है ना कमेंट्स किया था कि आप कैमरा कौन सा यूज़ करते हो और काफ़ी स्टेबल रहता है ना, तो कैमरा नहीं है ये मोबाइल है और मोबाइल का ही कैमरा है और मोबाइल का बैक कैमरा मैं यूज़ करता हूँ, फ्रंट नहीं यूज़ करता। फ्रंट करूँगा तो उसमें जो है ना वो स्टेबलेशन वो नहीं आएगी और दूसरी जो है ना रिज़ल्ट नहीं इतना ख़ास आएगा। इसका कैमरा जो है ना 108 मेगा पिक्चर है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने जो है ना नया मोबाइल लिया है और सिर्फ ये व्लॉगिंग के लिए लिया था मैंने ना, और अब देख काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है ठीक है। और इसका नाम जो है ना वो रेडमी नोट 11S है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बात आपको बता दूं कि आपके जहन में कोई भी सवाल अगर आता है ना सऊदी अरेबिया के हवाले से किसी भी टॉपिक से जो है ना वो हमें आप तो आप मुझसे जो है ना वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में ना, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना उसका जवाब भी दूंगा। मेरा फ़ायदा ही क्या है अगर आपका कुछ फ़ायदा ना हो तो मेरा इधर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन अगर कुछ आपके जहन में सवाल आता है तो आप ज़रूर पूछें मुझसे, कोई इशू नहीं है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा आपको। बाकी मैंने इसका पेट्रोल का जो है ना हिसाब लगाया कि ये जो है ना गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पीती है, हाईलैक्स बड़ी गाड़ी है इस वजह से। परसों अभी मैंने जो है ना 30 रियाल का जो है ना पेट्रोल डलवाया और 30 रियाल का आप हिसाब खुद लगा लेना, ढाई रियाल का जो है ना 1 लीटर बनता है, 2.5 रियाल का 1 लीटर और 30 रियाल का फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये कितना पेट्रोल पीती है। आज दूसरा दिन है मैं गया भी कहीं भी नहीं हूँ, सिर्फ उधर गया हूँ अभी, और पहले ऊपर वाली लाइन पे था ना अभी नीचे आ गई है। चलें जितना भी पी जाए फिर गाड़ी तो चलानी है ना। आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने अभी तक जो है ना गाड़ी नहीं सही करवाई, तो असल में ये काम जो है ना वो सऊदी लोगों का है, अगर मेरा होता तो मैं शाम से पहले इसको सही करवा लेता, बात है पैसे होने की। वो इसका अगला बम्पर जो है ना वो लेकर उन्होंने घर पे रखा हुआ है ठीक है, बस उसमें ये मसला है कि वो ब्लैक कलर का है और बोल रहा था कि मैं जो है ना शहर में जाऊंगा और लेकर आऊंगा ब्लैक अपना वाइट कलर का पेंट और फिर उसके बाद करके फिर लगाएंगे इसके ऊपर, तो अभी वेट कर रहा हूँ देख रहा हूँ अभी जब आएंगे तो फिर लगा लेंगे, क्या मुश्किल है। दोपहर के एक हो गए, मौसम देखें काफ़ी अच्छा हो गया और यहाँ पे जो है ना ये रोटी लगाना शुरू कर दी इन्होंने। वजीर आजम ते बनना इमरान खान ही, ये जो है ना हमने बीज ले लिए भाई साहब और ये लगाएंगे आज, ये हमें बताएंगे किस तरह बीज लगाते हैं क्यों जी। और ये जो है ना जर्जीर है ये देख लें, सॉरी पालक, अच्छा पालक है ये सेम जर्जीर की तरह, जर्जीर की तरह वो भी था। ये दूसरा ये क्या है, ये सुआ पता है वो जो बरीक बरीक लगता है, सही है ज़बरदस्त। अभी लगाते हैं आपको दिखाते हैं सीन क्या साफ था इसका, ये जो है इधर बीज लगाएंगे इधर बीज फेंक के ना उसके बाद जो है ना ये ऊपर जो है ना कलर फेंकेंगे फिर जो है ना इस तरह सब्जी होगी माशाल्लाह। जबरदस्त लेके आ रहे हैं कलर और फेंकने के लिए ना बीज के ऊपर, फिर पानी देंगे तो इंशाल्लाह ये हफ्ते दो उगना शुरू हो जाएगी। देख रहा था अभी ये देखिए इधर ऑलरेडी धनिया लगा हुआ है, सिर्फ जो है ना कलर जो है ना वो फेंकना इधर बस। मैं इनके पास आके बैठ जाता हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं जो है ना पाकिस्तान में ही हूँ, बस अपने ये भाइयों की तरह जो है ना रहते हैं इधर लोग सारे ना, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपने जो है ना डेरे पर बैठा हुआ हूँ। वो दिन मैं याद करता हूँ यहाँ पे बैठ के, बस क्या करें वो दिन अच्छे थे पाकिस्तान वाले, इधर फिर आपको पता है बंदा क्या कर सकता है। मौसम देख कितना
कोशिश फुल कजा बाकी कम असा जो आ गड़ी लग गई खराब है। हाँ खराब है, बस थोड़ा सुबह था थोड़ा बस हवा चली सारों को लग गया। ठंड ना है रिजर कितने लगते हैं फिर किधर जा रहे हैं सारे बस जा रहे हैं इधर खाना लेके उधर से आए हैं उधर से अच्छा वो आगे जा रहे हैं आ रहे हैं ये सारे उठा के गए हैं आगे आगे जा रहे हैं आगे जा रहे हैं ओ सारे उठा के थे बीज ओ उधर से लाए थे किधर जा रही है ये जा रहे हैं ये पानी लगाएंगे तो फिर नहीं चुनेंगे ये देखिए जी हाँ ना ओ ये काफी दूर है यार और भाई साहब ये इधर से निकल रहे हैं इधर से निकल रहे हैं ये कीड़े और अपना रिजक लेके आ रहे हैं देखो छोटे छोटे ये देख लो धनिया का जो बीज है ना वो लेके आ रहे हैं किधर से वो उधर से देखें छोटी छोटी मखलूक है और ये देखें अपना रिजक जो है ना ये इधर से लेके आ रहे हैं ये देखें बड़ा तेज है ये बहुत ही तेज है उसको नज़र ही नहीं आ रहा जाना किधर है ओ अभी आ रहा सीधा ये भी है एक ज़बरदस्त माशाल्लाह और ये जो है इनका घर बना हुआ है पहले हम उधर काम कर रहे थे अभी वो बंदा उधर पानी लगा रहा है ठीक है और अभी हम जा रहे हैं जी इधर दूसरे मजरे की तरफ ये अभी रवाना हो गए हैं इधर लगाएंगे एक पैकेट जर्जीर का वो भी दिखाता हूँ मैं आपको ये जी जर्जीर है जर्जीर कोई क्या चीज़ ये ना बाकी बूटी नशा चढ़ गया कुछ भी नहीं होगा देख लेना थोड़ी खटी मीठी है सही है सही है जब जैसे खाना खाए ना बंदा जैसे बस तीन चार बूटे हो खा लो सलाद जबरदस्त मजा आया ये जो है ना अभी टोकरियां उतारेंगे सारी ये टोकरियां उतार के फिर नया माल रखेंगे वो वाला पानी में धो के रखेंगे सारा माल ये सारा जो माल है ना वो फारग हो जाता है ना फिर ये टोकरी वापस ले आते हैं सारी गोभी है हाँ टोकरी
चारों तरफ रखा है इन्होंने गीला करके अंदर, ताकि जो है ना ये सूख ना जाए, ये सूखेगा नहीं ना बाद में। और अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ, बैल की जो बैटरी है ना वो काफ़ी डाउन हो गई है, तो अभी बस जा रहा हूँ उधर अपने डेरे पर। काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये जी मेरे चाचू इधर लगे हुए काम। मौसम देखें जी आप, मौसम ख़राब हो गया, ये ख़राब हो जाएंगे सारे। अभी इनको पानी दिया, अभी पानी बंद हो गया, वो पानी चेक करने जा रहे हैं। पानी पीछे से किसी ने खोला या मोटर बंद की, अभी वो देखने जा रहे हैं। वो देखें ज़रा, चाचू को हो गया इधर 15 साल सऊदी अरब में, और मौसम काफ़ी अच्छा है अलहमदुलिल्लाह। आज जिसने भी आना है सऊदी अरब, आज वो भाई काम करो, काम मुश्किल नहीं है, आसान ही है। और ये जो सूरज की किरणें नज़र आ रही हैं ना आपको, कसम से इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये किसी खूबसूरत नज़ारे से कम नहीं है ये व्यू। अगर आप हकीकत में होते तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन ये कैमरा है तो कैमरा इतना वो कैप्चर नहीं करता जितना आपकी आँखें देखती हैं। आँखों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकता ये कैमरा, ना आईफोन का कर सकता है। असल में मैं गाड़ी इधर ही खड़ी करता हूँ, एक तो रूम के पास है अगर मोबाइल चार्ज करना हो तो, और उधर जो है ना काफ़ी दूर पड़ता है इस वजह से। और अभी जो है ना शाम की अजान हो रही है, अभी ये लोग लगे हुए हैं। देना ये ना, अभी ऊपर आया हूँ, नीचे सिग्नल नहीं थे, ये काम कर रहे हैं नीचे। ये देखें जी अभी हम जा रहा हूँ मैं इधर ना, इसका पैकेज लगा रहा था, पैसे डले हैं 30 रियाल डले हैं, और ऊपर से बैलेंस भी नहीं शो हो रहा। अभी इसका मैं चेक कर रहा हूँ, पता नहीं क्या चक्कर हो गया इसका, पैकेज भी नहीं लगाई उसके बाद, फिर पैसे कट गए हैं। और बस जा रहा हूँ इधर ना, इनके गुरफे में ना जिधर बिजली है, वो देखें कितना यहाँ पर ड्रोने वाला सीन बना हुआ है कि नहीं। और इधर बिजली है इनके पास ना, जरा ऐसी जगह पे ये रात में देख ले आप। और ये जो है ना इधर रोटी लगाने लगे हैं, ये साथ नहीं लगती रोटी है, साथ नहीं लगती कैसे नीचे मथे लगेगा ना। वो तो छंड है, इसको ठंडा है, जितनी ज्यादा छंडेगी उतनी अच्छी होगी। मैंने इसको इसको छंडा है। अच्छा अच्छा, वो उसकी इसकी बात कर रहा हूँ, ये हाँ, उधर बनाते हैं ना वो बड़ी मोटी रोटी बनती है उनकी। नहीं नहीं, इसको ये कहते हैं सनी हो जाती है। सही है सही है। चाबी चाबी सेटिंग दे दी, चाबी लगी चाबी मुझे मोबाइल में। अरे
कभी करो कभी सही जाबी सियो हां सागी सही बंद कर नेट बंद कर सो हेलो मथे बोझा समझ से कर यार ठीक है ये मुदीर है हमारा सही है सही ये जो है ये है उसका सेठ का रिश्तेदार है सही है सही है ये लोग आए हैं जी मेरे पीछे ये एक भाई है एक वो डंडा लेके पीछे आया मेरे इधर से कि भाई किधर चला गया बिल्कुल यार हिम्मत है कसम से यार मैं इधर आया हुआ था इनके पास अला कितना सफर है वहां तक 1 किलोमीटर है ना 1 किलोमीटर है वो कितना वीरान है वो देख नजर ही कुछ नहीं आ रहा बिल्कुल हमने कहा हमारा भाई अला कहां चला गया यार मैंने मेरी गलती मैंने बताया नहीं असल में ना आपको वो मुझे था कि जी बस थोड़ा सा काम है देख रहे थे मैं आ रहा था तो हाँ, इधर मुझे 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 ये था कि आप जो है ना लगा दो पता चल जाएगा आपको मुझे ये था कि मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा वापस नहीं, हमने कहा था शेतरा भूल गया है तो पैकेज लगा दो पैकेज लगा के मतलब मैंने बोला रोटी खा के जाओ मां चाहिए मां से पैकेज बिल्कुल अभी भी लगा नहीं कोई मुश्किल नहीं 30 रियाल 30 रियाल डाले हैं ओ नहीं भाई वो गायब हो गए मां ने कहा डाले हैं लैब फिर दो कार्ड और ऐड किए 60 रियाल बने आपकी रोटी की बोतल रखिए चलो रोटी के पैसे पूछी न जाओ हेलो एकड़ो एकड़ो के आनो चलाई को रहा ने उधर चलावल ब्याह है मजाक नहीं है भरई वाले बूट नवे पे नहीं हां भैया भी बोट नहीं मारा आधा खदड़ो दिन तो कटा लगा हो और ये जो है ना भाई साहब हमें ढूंढने के लिए आए हुए हैं बिल्कुल भाई और अभी जा रहे हैं हम खाना शाना खाया इधर से खाना शाना खाया और अभी जा रहे हैं मैंने बोला आप चले जाओ बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें साथ लेके जाएंगे हाँ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम तेरे पीछे हमारे दो बंदे आए हैं यार तू कहाँ है भाई देखा मैंने पानी मैं इधर आ गया हूँ अभी वो दोनों वो भी आ गया हूँ पानी भर रहे हैं अभी यार किधर गया यार आपने परेशान कर दिया हमने परेशानी वाली क्या बात थी मैं उधर था मैंने कहा भूल ना जाए भूल ना क्या था खाना शाना खाया उधर से बोतल पी है तेरे लिए बोतल पी अंदर चलो यार हम परेशान हो गया मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मैं गलती की बाकी और अभी जो है ना काफी टाइम हो चुका है और मैं वजू करके इशा की नमाज पढ़ लेता हूँ और ये भी लोग यहाँ तक की अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।